सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगना एक युवक को उस समय महंगा पड़ा जब पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने के जुर्म में युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बरकत नगर निवासी नवीन ने फेसबुक अकाउंट पर अलग आईडी बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी थी और जैसे ही ये पोस्ट उसके फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया गया तो दूसरे लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। वही मामले को बढ़ता देख पुलिस कमिश्नरेट की साइबर टीम ने तकनीकी आधार पर युवक का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने स्वामी के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी और उसे सुर्खियां बटोरने के लिए उसने ये पोस्ट किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और साथ ही 10 साल से जयपुर रह रहा है और फिलहाल आरोपी से पुलिस अब गहनता से पूछताछ कर रही है। ये स्वामी नवीन दिवेल नाम का व्यक्ति है जो फेसबुक पर बना हुआ है और इस फेसबुक के व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी संबंधी एक टिप्पणी की थी, इसकी सुपारी लेने की, उस पर हमला करने की, वह जान से मारने की, तो इसको फेसबुक पे पोस्ट किया था और पोस्ट करने के बाद इस पर कमेंट्स भी कई आए। इसके बाद साइबर टीम ने कंट्रोल रूम से हमें मैसेज दिया कि क्षेत्र बरकत नगर पर इसका निवास है, सर्च की जाए। तो हमने सर्च की, इसकी दिन भर सर्च की, रात को भी सर्च की, फिर इसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेके इसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ में इसने ये बताया कि वो और इसकी फेसबुक चेक की तो ये आईडी इस तरह के कमेंट करता रहता है, उन कमेंटों पे सभी पार्टियों के खिलाफ करता रहता है और अत्यधिक उसमें आके इसने क्रोधित होकर इस तरह की टिप्पणी की और इस टिप्पणी से इसका ये जो इसने लिखा है वैसा ही कुछ मकसद है इस संबंध में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।